जमात की कसम है कि वलीमा उसके अंदर मीठा रखेंगे, खाने के बाद खासतौर पर मुरहम कसम की गा हो, जब तक मीठा ना होगा समझेंगे कि सुन्नत पूरी हो रही है। यूपी के बाद इलाकों के अंदर मीठा घर में ना हो, गुड़ रखा जाएगा, शक्कर रखा जाएगा, मीठी चीज को रखना जरूरी समझा जाता है। क्या खाने से पहले मीठा या खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है, इसको समझने से पहले रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का तर्ज हयात क्या था, तरीक़ेकार क्या था। अरे मीठा खाना, पान खाना, चाय पीना, शरबत पीना और पेप्सी पीना, कोक पीना, ये बहुत दूर की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का सिस्टम क्या था, खाने का सिस्टम वो था जो हमने आज बना रखा है कि साथ ब्रेकफास्ट है, डिनर है और लंच है, खुला है, ये है वो है, व्यक्ति है। खुदा की कसम ये सिस्टम नहीं था। जब भूख लगती होता तो खा लेते, ना होता पेट पर पत्थर बांध लेते, खजूर मौजूद होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा में, पूरी अज़वाज मुतहरात की हयात तैयबा में, आपकी बेटियों की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में कोई साबित नहीं कर सकता। चलो मीठा नहीं था, मुतंजन नहीं था, मुजफ्फर नहीं था, जलेबी नहीं थी, लड्डू नहीं थे, खजूर तो मीठा था, खाने के बाद खा सकते थे, बकरी का गोश्त भून कर खाने के बाद खा सकते थे। ये चीज गलत आ चुकी है हमारे समाज के अंदर। खाने का सिस्टम खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में इतना कमजोर था कि तीन तीन महीने चूल्हा नहीं जला सकता था। आप लड्डू की बात कर रहे हैं, आप जलेबी की बात कर रहे हैं, आप मीठा खाने की बात कर रहे हैं, खाना खुद खाना क्या आपको इख्तियार दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चाहे ओहद का पहाड़ सोना बनाकर आपके कदमों के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार भूखा रखकर सब्र करूंगा और खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तो ये चीज गलत है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे उलमाए किराम अगर सादगी को अपनाते हैं, हमारे उलमाए किराम मामूली कपड़े पहनते हैं, ये ना समझो ये फकीर है, ये मुतवल्लियों के मोहताज है, ये तनख्वाहों के मोहताज है, ये कुरान खानी के मोहताज है, ये टिकट के मोहताज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फखर इख्तियारी था। अल्लाह ताला ने उनको फकीर नहीं बनाया था, मान लिया था, दौलत दी थी। अगर और पैगंबरों को जन्नत का बन्न सलवा उतर सकता था, मेरा और आप क्या था, काहिला जमौला। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ा है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के देने भी नाजी कर सकता था। अल्लाह नबी का कदम ने फख्र खाते को इख्तियार से च्वाइस से अपनाया था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को वक्त का बादशाह वजीफा दिया करता था, तो ये समझता था मेरे वजीफे से इनकी खानका चल रही है, इनका दस्तरखान चल रहा है, इनका लंगर चल रहा है, तुम्हारी तनख्वाहों से मदारी चल नहीं रहे, तुम्हारे अतियात ज़कात और खैरात से उलमा नहीं बन रहे हैं, गली का जानवर पलता है, अल्लाह नबी के नायक को पाल सकता है, अल्लाह सहाबा को पाल सकता है, अल्लाह नबी को पाल सकता है, तो उनके नाइबीन और जानसी को भी पालेगा। बादशाह ने एक फतवा जारी किया जो शरीयत के खिलाफ था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने टक्कर ली, ये नहीं कि साफ बादशाह है उसकी हाँ में हाँ मिला दो, फतवे का साथ बादशाह होगा तो मेरी जूतियों की नोक पर, लेकिन शरीयत से टक्कर लेगा, कुरान से टक्कर लेगा, हदीस से टक्कर लेगा, मेरे आका के तरीकों से टक्कर लेगा, मेरे पेशाब के खतरे का तो मुकाबला नहीं करेगा। बादशाह का वजन में आ गया। उसने कहा कि निजामुद्दीन औलिया की बहुत गलती थी, दिलों पर हुकूमत थी, कहा कि इनका वजीफा बंद कर दो। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक बात आई, मजलिस में बैठे हुए थे, हजरत आपने खामखा बादशाह से टक्कर ली और उसने वजीफा बंद कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने यह नहीं कहा बादशाह से जाकर अगर मदर कर दो, कम्प्रोमाइज कर लो, झूठा झूठा माफीनामा दे दो, आज राजी हो जाएगा कल मतलब नहीं। वला यखाफून लौमत अलाई अला बिना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह का वली किसी से नहीं डरता। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कितनों का मंदिर में खाना सकता था, कहा 3000 का, कहा आज के बाद से 6000 का।
बादशाह सर्वे करने आया, ये सोचकर आया आग बुझ चुकी होगी, तंदूर ठंडा हो चुका होगा, पेट पर पत्थर लगा हुआ होगा। आकर जब उसने सर्वे किया और पूछा क्या हालत है वजीफा बंद करने के बाद, हजरत के गुलाम ने कहा वजीफा आता था 3000 का पत्ता था, वजीफा बंद होने के बाद 6000 का पत्ता रहा है। बादशाह के अंदर भी उस जमाने के बादशाहों को भी औलिया की नस्बत थी। फौरन गया, माफी तलाफी की, हजरत के कदमों पर गिर गया, हजरत माफ कर दीजिए, अल्लाह ने साबित कर दिया कि मेरे वजीफे से, मेरी दौलत से, मेरे नाम से किसी की खानका नहीं चलती, अल्लाह चलाने वाला है। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला के खानदान के तवाफ कर रहे थे, एक अमीर कबीर तीरे जवाहरात की कोठी लेकर आया, हजरत को तोहफे में दिया। हजरत बताहिर फकीर थे, बोझीदा कपड़े पहनने वाले थे, टूटे मकान में रहने वाले थे, गरीब और गुर्बत फकर फासी की जिंदगी गुजारने वाले थे। हजरत को फकीर कवर कर दिया। उस जमाने के अंदर मार्बल बताप में लिखा हुआ नहीं था, बालू बिकी हुई थी, बालू को हटाया, कहा कि छान कर देख, जो छान कर देखा तो जमीन के अंदर सोने चांदी के सफाए थे। कहा ऐ मर्दूद मदूद, तू हमें फकीर समझता है, मोहताज समझता है, नबी की विरासत में इल्म आया है तो नबी की विरासत में हमने फक्र पाकर जान बूझ कर लिया है, देख हम चाहते इस सोने चांदी को उठा सकते हैं। बहरहाल खाने से पहले और खाने के बाद इस किस्म के तकल्लुफात करना शरीयत में नहीं। सादा खाना खाना, पेट के 3 हिस्से करना, एक हिस्से में खाना, एक हिस्से में पानी, एक हिस्से में हवा, ये सुन्नत का तरीका है। जानवरों की तरह खोज खोज कर खाना ये बीमारियों को दावत देता है, ये मसाइल को दावत देता है। जहां 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना सुन्नत, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सुन्नत, 34 मरतबा, 1 मरतबा दाएं ये जो है अल्लाह अकबर पढ़ना सुन्नत, ऐसे ही पेट के 3 हिस्से करना भी सुन्नत है। तस्वीर के दाने पकड़कर सुन्नत याद आती है, मिसबाह पकड़कर सुन्नत याद आती है, अमामा पकड़कर सुन्नत याद आती है, मस्जिद में दाखिल होकर सुन्नत याद आती है, दस्तरखान के अंदर हैवान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। बल्कि मीठा छोड़कर खाने की शुरुआत नमक और खाने का इख्तिताम नमक से करना ये सुन्नत साबित है। हजरत अली फरमाते हैं करम अल्लाह वजहु करीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अली अपने खाने की शुरुआत नमक से और अपने खाने का खत्म नमक से किया करो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने इस सुन्नत पर जैसे अमल किया है अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों से मेरी हिफाजत फरमाई। दस्तरखान में कटोरी में नमक रखे, पहले मुझे चाके, बाद में रोटी खाना, खाना खाना बिरयानी खाना, फिर उसके बाद खुदा ना करे मीठा भी खाना हो, खा लेने के बाद सुन्नत समझ कर अगर कोई आखिर में नमक फेंकता है अल्लाह ताला 70 बीमारियों की हिफाजत फरमा।